स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। मैं आपके साथ अंजलि मुदगल। उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा बारिश फिलहाल अभी नहीं देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी, उमस भरी गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने आज 2 तारीख को दिल्ली में दोपहर में तो गर्मी रहेगी, लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल छा जाएंगे और रात होते होते फिर हल्की बारिश हो सकती है, यानी कि गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, पूरे NCR की अगर बात करें जिसमें नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद आता है, इन जगहों पर भी दिल्ली जैसा ही जो मौसम है वो रह सकता है। मॉनसून की बारिश ने इस बार जमकर कहर बरपाया है। कई अलग अलग राज्यों में भारी तबाही देखने को मिली है, जिसका असर दिल्ली में भी देखा गया। जब दिल्ली पूरी पानी पानी हो गई, पानी में दिल्ली डूब गई, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, निचले इलाकों में पानी भर गया। लेकिन फिलहाल मॉनसून की जो बारिश है उसकी रफ्तार पर एक ब्रेक सी लगी हुई है। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो आज से मौसम में तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं। आज शाम होते होते मौसम जो है वो बदल जाएगा, कल हल्की बारिश होगी और फिर 5-6 तारीख के आसपास से तेज़ बारिश एक बार फिर से ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है। 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज दिन का रहने की उम्मीद है। हालांकि एक्सपर्ट्स की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि कई सालों का पिछले रिकॉर्ड इस बार बाढ़ बारिश ने भी तोड़ा है और गर्मी ने भी तोड़ा है। पिछले कई सालों में इस बार का जो जुलाई महीना है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। हालांकि कई अलग अलग कारण मौसम में तब्दीलियों के सामने इस बार भी आते रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, कई अलग अलग रीजंस इसके पीछे, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन अगर गर्मी से राहत की बात करें तो आज शाम के बाद, यानी कि कल से कह सकते हैं आप, गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।